बिल्कुल, आप चाहें जो भी कलर मुझे बताएं तो मैं उस कलर के हिसाब से इसको चेंजेबल भी करवा सकती हूँ। और इसके स्टोन जो लगी हुई है इनका अलग से वेट टेंशन होगा? बिल्कुल, इसका जो मैं ये दे रही हूँ आपको माला का प्लस स्टोन का, ये सब एक लेस करके दे रही हूँ। जो कॉस्टिंग में लगाऊंगी तो गोल्ड ही गोल्ड का होगा। कुंदन में मैंने सुना कि बेड्स का काटा जाता है, तो आपने काटा उसको? हाँ जी बिल्कुल, हम काट के देते हैं उस पर। इस ज्वेलरी का पूरा मतलब कितनी की पड़ेगी ज्वेलरी? ये ज्वेलरी की अगर बात करते तो 689 का ये पूरा ओवरऑल सेट है। 689 का गोल्ड कितना है? गोल्ड की अगर वेट की बात करते हैं सर, इसमें जो गोल्ड ऑफ यूज है वो टोटल 239 ग्राम वेट है। जो टोटल वेट लेस करके बीट्स का 100.24 है, 5.3 कुंदन का लेस है, 15.65 डोरी का वेट लेस है, नेट गोल्ड की बात करते 118 ग्राम इसमें नेट ऑफ गोल्ड ऑफ वेट। ज्वेलरी होती है बेसिकली क्लिपिंग वाली ज्वेलरी होती है। हाँ, तो कटिंग में होता है अपने आप ही कैलकटा ज्वेलरी का वर्क होता है कि अपने आप ही इसकी शाइन रहती है। हैवी हाँ, थोड़ी सी हैवी होती है कैलकटा। कुछ अलग से वर्क होगा कुछ भी इसके? हाँ, इसमें कोई पेंट वर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ पूरा गोल्ड ही गोल्ड है। पूरा गोल्ड ही गोल्ड है। हाँ जी। इसका पूरा गोल्ड वेट कितना? इसका गोल्ड वेट की अगर सर अपन बात करते हैं तो 4160 110 ग्राम का गोल्ड ऑफ वेट है। ये सेट अपन को पूरा कितना पड़ेगा? ये पूरा सर सेट अपन को पड़ेगा 575 का पूरा सेट पड़ेगा। मेकिंग में जीएसटी लगेगी? हाँ जी। कितनी देर के लिए? वैसे सर जीएसटी हम अगर देखते हैं तो 3% का इसके है। इसके बिंदु जिनकी ये है कुछ अलग से वर्क नहीं है? नहीं, बहुत सेट में जरूरत ही नहीं है, उसका पेंट वर्क होगा। अगर आप चाहें तो उसमें मैं पेंट वर्क करवा सकती हूँ। ये रजवाड़ा ज्वेलरी में है, ऑक्सीडाइज के साथ है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ में मोजोनाइट है इसके अंदर। मोजोनाइट ये बेसिकली ये होता है, इसकी जो शाइन होती है कुंदन से बेसिकली थोड़ी सी ज्यादा होती है इसकी शाइन मोजोनाइट के ऊपर। तो लुक ऑफ डायमंड पोल की वाला लगता है इसका जो लुक होता है वो डायमंड पोल की। लाइटिंग में एक अच्छा एक लुक प्रोवाइड करती है। हाँ जी हाँ जी। क्या खास इसके अंदर ज्वेलरी?
जी ज्वेलरी ऑक्सीडाइज के साथ साथ रजवाला ज्वेलरी में मतलब बेसिकली शादी ब्याह में जो चलने वाला सेट्स में बहुत अच्छे होते हैं, रिच एक रॉयल लुक जो आता है वो इस सेट में बहुत अच्छे से शादी पार्टी में। इसकी जो एडिंग्स कुछ काफी हैवी लग रही है, वैसे हैवी है लुकिंग वाइज बहुत हैवी है, पर वेट है लाइटिंग बहुत ज्यादा, इतना हैवी भी नहीं है। होल वेट क्या है? होल वेट की अगर सर अपन बात करते हैं इसके अंदर जो होल्ड ऑफ वेट है वो 129 ग्राम होल्ड ऑफ वेट है। जो मोजोनाइट है मैं वेट लेस करके ही दूंगी उसका, तो वो जो इसमें 5 ग्राम वजन घटा के 124 ग्राम ऑफ होल्ड ऑफ वेट है। ये सर अपन को पड़ेगा 681 का। अच्छा काफी देखा गया है, लेकिन इसके अंदर इसकी जो मोजोनाइट आप जो बता रही है कभी कभी गिर जाती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जाती है, तो उसके लिए कुछ आपका सेल अपनी सर्विस देगा? मैं हाँ बिल्कुल उसकी सर्विस तो ऑल टाइम आपकी हर समय फ्री रहेगा, लाइफ टाइम सर्विस फ्री रहेगी। देखिए अगर सर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगता है जो कंपनी पे यहाँ पर हमें लगता है कि नहीं सही होने वाला प्रोडक्ट है तो बिल्कुल हम सर्विस उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इसमें होल्ड लगना ही है या कुछ किसी कारणवश आपसे खराब हुआ तो फिर उसमें जो भी थोड़ा बहुत होल्ड इंक्रीज हुआ जो भी हुआ तो उसकी कॉस्टिंग अलग से लग जाएगी, बाकी लाइफ टाइम आपकी तरफ से फ्री से। बिल्कुल ये बहुत फैंसी सेट है, लॉन्ग सेट में है ये पेंट वर्क के साथ है। बेसिकली ट्रेडिशनल जो पहले मीना चलता था उसमें मैंने पूरा टोटल नक्काशी वर्क की पेंट वर्क के ऊपर है, ये जो पेंट वर्क है वही प्लस होता है इसका कोई डजन नहीं है लॉन्ग सेट के ऊपर। इसमें कुछ खास बात ये नक्काशी इसमें मतलब पहले तो क्या ट्रेडिशनल चेन वेन में चलता था, ये पूरा टोटल नक्काशी वर्क में है जिसके अलग से डिजाइन ही अलग। बिल्कुल बिल्कुल ये डिजाइन है इसमें अलग से हैवी लुक पैनल के साथ में टोटल वर्क इसका देखिए जो काफी सुंदर है पूरा एक डिजाइनर है इसमें अलग अलग पेंट वर्क जैसे किया गया है अलग अलग फिनिशिंग बिल्कुल बिल्कुल पूरा वर्क एक बहुत अलग अलग किया गया है जो टेयरिंग है काफी लाइट वेटेज में इजिली कैरी कर सकते हैं। हाँ बहुत हैवी नहीं तो कैरी कर सकते हैं। हाँ लाइट इसका प्राइस 324 का पड़ रहा है। इसमें गोल्ड वेट होल्ड ऑफ वेट की बात करते हैं 60 ग्राम इसमें होल्ड ऑफ वेट इसके डायमंड में दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी ये डायमंड और पोल्की में सेट है। डायमंड पोल्की हाँ जी अनकट डायमंड होता है बेसिकली तो उसको डायमंड पोल्की हाँ जी ये नवरत्न के साथ है। डायमंड पोल्की पूरा लॉन्ग सेट है नवरत्न के साथ में सारे इसमें रत्न लगे हुए ये सारे इसमें रत्न है नीचे मानिक का ड्रॉप है तो ये सब डायमंड पोल्की है। डायमंड पोल्की सुंदर है मॉडर्न महारानी कलेक्शन का अगर बात करते हैं तो उसमें ये बहुत बेसिकली सेट चलता है जैसे राजा महाराजा टाइप का सेट। बिल्कुल 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 मॉडर्न महारानी कलेक्शन हाँ जी हाँ जी उसमें डायमंड पोल की बहुत चलता है। अच्छा वैसे झुमकी झुमकी किसी को पसंद आए? बिल्कुल उसका मेरे पास बहुत हैवी रेंज है मतलब आप सोचेंगे ग्वालियर शहर में शायद ही किसी के पास होगा इतनी अच्छी वैरायटी मेरे पास डायमंड पोल की में डायमंड सेट में आजकल बहुत कल्चर में बहुत ट्रेंड में आ गया है डायमंड पोल की राजा महाराजा। बिल्कुल बिल्कुल वही पूरा पुराना ज्वेलरी फिर से वापस आ गया और वही सब ट्रेंड में चल रहा है तो मेरे पास बहुत कलेक्शन मिलेगा इसका। जिसकी भी माला अलग कोई अलग करवाना चाहे रंग हाँ अगर आप वो तो कस्टमाइज देखिए कुछ भी हो सकता है कस्टमाइज आप जैसा कराना चाहें तो वो सब कस्टमाइज हो जाएगा। आपको कोई पर्टिकुलर कलर है वैसे जो मैं कलर इसमें अगर सेट किया है डिजाइनर ने तो वो सब पे चलने वाला है ये सेट ये सब पर जाने वाली है ये माला है। पर अगर कुछ कस्टमाइज आपको कराना है कुछ करना है तो आप मुझे दे सकते हैं तो वो कुछ भी कस्टमाइज हो जाएगा। इसका प्राइस इसकी प्राइस की सर अपन बात करते हैं 822 इसका कॉस्टिंग है। 822 हाँ जी 822 कॉस्टिंग है इसका।
इसमें जीएसटी और मेटल सब इंक्लूड है। हाँ जी हाँ जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इंटरेस्टिंग ये है बेसिकली भगवान के लिए किसी के पास ऐसा कलेक्शन नहीं होता था, मेरे पास भगवान के लिए सब पूर्ण रेंज है। यहाँ पर भगवान की अगर चेन की बात करें तो मेरे पास भगवान की चेन है, छत्र है, भगवान की इवन भोग के लिए थाली गोल्ड ना मतलब बेसिकली कहीं नहीं होती थी तो उसकी गोल्ड की थाली है, चम्मच है भोग के हिसाब से, मेरे पास ग्लास भी है भगवान के भोग के, मुकुट है भगवान का, बांसुरी है बंसी वाले की, ये श्री यंत्र भी है बेसिकली, कुबेर यंत्र है मेरे पास, कमला यंत्र है, श्री यंत्र अगर आप मानो तो ऑन ऑर्डर में बन भी जाते हैं। ये 24 कैरेट में गणेश जी है, ये लक्ष्मी जी गणेश है 24 कैरेट, इनमें कुछ अलग से कुछ काम नहीं किया गया है। हाँ ये गोल्ड है बिल्कुल, तो ये शायद मेले में भी कहीं थी किसी भी। बिल्कुल मैं उन्हीं लोगों के लिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लोगों की मानसिकता है कि अपन बड़े शोरूम पे जाते हैं तो अपने साथ बहुत महंगी चीज मिलती है और अपने को ज्यादा चार्जेस लगते हैं इस तरीके से, तो उन्हीं के लिए समझाना चाहूंगा कि बड़े शोरूम पे जाएंगे तो उनके साथ कभी भी कोई भी आदमी चीटिंग नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे यहाँ आए, किसी भी बड़े शोरूम पे जाएंगे तो उनके साथ कभी भी चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि जिस भी बड़े जगह के वो जाएंगे तो वो आदमी के लिए उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब वो छोटे छोटे दुकानदारों से सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं तो सस्ता कुछ नहीं मिलता, चीटिंग होती है और वो उससे भी ज्यादा उनको महंगा पड़ता है, हमेशा यही होता ही यही है। मैं तो हमेशा इन लोगों को यही बोलूंगा कि आप अच्छी दुकान से लें, कहीं से भी लें अच्छी दुकान से लें, बिल के साथ सामान लें, जीएसटी के साथ पे करके बिल लें, इनवॉइस लें और हर वक्त लें, हमेशा कहीं यार कभी चीटिंग नहीं होती। सो हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज्वेलरी डायमंड सिलेट आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो और नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो।